दोस्तों, कल ही मैं किताब में मौसम के बारे में पढ़ रही थी। उस किताब में बताया गया था कि मौसम के कितने प्रकार होते हैं, उसमें बदलाव किन तरीकों से देखा जा सकता है, उसका प्रभाव किन किन जीव जंतुओं पर होता है, उसका अवलोकन कैसे करा जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। इतना सारा ज्ञान एक साथ समझना मुश्किल है ना? इसीलिए मैंने मिस्टर मैडम की सिखाई हुई तकनीक का प्रयोग कर मौसम का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया। देखिए, अब वो ही जानकारी समझना कितना आसान हो गया। आइए देखते हैं, आप भी कॉन्सेप्ट मैप का कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है छात्रों को जटिल विषय आसानी से समझा पाना और अध्यापकों को पाठ्यक्रम योजना बनाने में सहायता देना। इसे आप कक्षा 3 और उससे बड़ी कक्षाओं में उपयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप आप ब्लैक बोर्ड पे, किसी A4 शीट पे या चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को चुनिए। पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण तर्कों को संक्षिप्त वाक्यांशों के माध्यम से और सही क्रम में लिखें। आप चाहें तो उचित चित्रों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट मैप को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय के पाठ्यक्रम का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया जा सकता है। शुरुआत में अपने छात्रों के साथ अलग अलग विषयों और थीम पर कॉन्सेप्ट मैप बनाने का अभ्यास कराएं और फिर उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे खुद पाठ में दी गई जानकारी पर कॉन्सेप्ट मैप बनाएं। ये करने से छात्रों में न केवल उस विषय की समझ और गहरी होगी, साथ ही उन्हें एक संक्षिप्त तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करने का भी अभ्यास होगा। पानी से लेकर कपड़ों के रेशों तक कई थीम इसकी मदद से सरलता से समझाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप के उपयोग से आपकी कक्षा में क्या बदलाव आए? क्या आप भी ऐसे ही नवाचारों का प्रयोग अपनी कक्षाओं में करते हैं? अपने अनुभव नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ बांटिए। साथ ही हमारे और टूल किट्स जैसे खेल खेल में और चित्र पहेली देखना ना भूलें।